अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बटर स्कॉच केक रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बनेगा, आप मेरे बताए हुए स्टेप को फॉलो कर लीजिए, बहुत ही परफेक्ट केक बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मिक्सिंग बाउल में हाफ अ कप कर्ड ले और 1/3 कप मेल्टेड बटर रूम टेम्परेचर वाला ऐड कर लीजिए। अब इसके जगह बटर की जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से भी बीट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर स्पैचुला से यूज़ कर रही हूँ। तो आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इसे। एक स्ट्रेनर या छन्नी ले, उसमें 1 कप मैदा यानी ऑल पर्पज़ फ्लोर ऐड करें, 1/2 कप पाउडर शुगर यानी पिसी हुई शक्कर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से आप छान लीजिए। अब एक स्पैचुला के हेल्प से आप उसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। और अब हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क मेड यानी कंडेंस मिल्क। और अब हम डालेंगे 1 टीस्पून बटर स्कॉच एसेंस। बटर स्कॉच केक बना रहे तो ऑब्वियसली हमें बटर स्कॉच एसेंस ही चाहिए। अब उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास बटर स्कॉच एसेंस नहीं है तो आप वेनिला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा बैटर यहाँ पर स्मूथ नहीं है तो मैं 1 टीस्पून के करीब रूम टेम्परेचर वाला मिल्क ऐड कर रही हूँ। अब उसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा बैटर रहना चाहिए, स्मूथ एंड फ्लफ़ी। ये देखिए मेरे बैटर के अंदर स्टिफ पिक्स आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा बैटर अच्छी तरह से बेक होने के लिए रेडी हुआ है। बटर पेपर और केक टिन को आप अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं रहा तो आप नॉर्मली भी ऐसे भी ग्रीस कर सकते हैं, 1 टीस्पून मैदा छिना के। अब उसे अच्छी तरह से आप ग्रीस कर लीजिए। मैं यहाँ पर 5 से 6 इंच का केक टिन यूज़ कर रही हूँ। अब हम बैटर डालेंगे। अब आप केक टिन को अच्छी तरह से टैप कर लीजिए ताकि उसमें एयर बबल्स ना आए, वरना आपका केक अच्छी तरह से बेक नहीं होगा। और अब हम पतीले को प्री हीट करेंगे 10 मिनट्स तक। अब प्री हीट पे पतीले में आप केक टिन को रखें और बेक करें 25 से 30 मिनट्स तक लो मीडियम फ्लेम पर। अगर आपको माइक्रोवेव या ओवन में बेक करना है तो 180 डिग्री सेल्सियस पे पहले प्री हीट कर लीजिए, फिर 10 से 25 मिनट्स तक आप 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक करें। अब हमारा केक बेक हो चुका है। आप टूथपिक या नाइफ से आप अपना केक को चेक कर लीजिए। ये देखिए हमारा टूथपिक क्लीन लिख रहा है, इसका मतलब हमारा केक परफेक्टली बेक हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे कैरमल सॉस बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 कप शुगर नॉनस्टिक पैन में। शुगर को मेल्ट कर लीजिए लो मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए हमारी शुगर मेल्ट हो रही है। अब मेरी शुगर कैरामलाइज हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/3 कप रूम टेम्परेचर वाला बटर। अब उसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। अब अनसॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे उसमें 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ तो इसीलिए सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो ये स्टेप को स्किप करें, सॉल्ट मत डालें। और अब हम ऐड करेंगे 1/2 कप क्रीम। तकरीबन 1 मिनट पकाने के बाद आप 1/2 कप क्रीम ऐड करें। आप मिल्क भी ऐड कर सकते हैं और उसे अच्छी तरह से पका लीजिए 1 मिनट तक। 20 से 30 सेकेंड्स तक आप लो मीडियम फ्लेम पर उसे अच्छी तरह से आप कुक कर लीजिए। ज़्यादा कुक ना करें वरना आपका कैरामल सॉस थिक होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बटर स्कॉच क्रंच बनाने के लिए हमें चाहिए 1/3 कप शुगर। शुगर को आप मेल्ट कर लीजिए लो मीडियम फ्लेम पर। अब हमारी शुगर कैरामलाइज हो चुकी है, मेल्ट होगा। अब 1 टीस्पून बटर ऐड करके उसे अच्छी तरह से आप सॉटे कर लीजिए। अब बेटर रहेगा आप पैन को थोड़ा ऊपर ही उठाएं, वरना आपका ये जल सकता है। लो मीडियम फ्लेम पर ही आप पकाइए। अब बटर पेपर को आप अच्छी तरह से ग्रीस करें, फिर अपना कैरामलाइज हुआ शुगर को स्प्रेड कर लीजिए बटर पेपर पर। आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए फैन के नीचे 10 मिनट्स तक। और अब हमारा बटर स्कॉच क्रंच रेडी हुआ है, उसे आप क्रश कर लीजिए। और अब हम लेंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम मिक्सिंग बोल में।
और अब हम विप करेंगे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से। मेरी विपिंग क्रीम में ऑलरेडी शुगर है तो मैं शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ। अब उसे अच्छी तरह से आप विप करें हाई स्पीड पर। अब हमें हाई स्पीड पर उसे विप करना है, जब तक इसमें स्टिफ पेक्स ना आए तक हमें विप करना है। तो अब हम डालेंगे अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बटर स्कॉच एसेंस। ये डालें आप, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा क्रीम में, और अ पिंच ऑफ येलो फूड कलर। अब इसे और थोड़ा हम ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह से, और अब हमारा विपिंग क्रीम बनकर रेडी हुआ है। आप मिक्सिंग बोल को उल्टा करें, आपका विपिंग क्रीम नहीं गिरेगा, इसका मतलब आपका क्रीम रेडी हो चुका है। आप केक कार्डबोर्ड कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं रहा तो आप कौन सा भी घर पर जो भी कार्ड है आप वो इस्तेमाल कर लीजिए स्क्वायर शेप में कट करके। अब कार्डबोर्ड के ऊपर थोड़ा सा क्रीम स्प्रेड कर लीजिए आप। अब केक को आप फ्लैट नाइफ से 3 लेयर्स में कट कर लीजिए। ये देखिए हमारा केक इतना स्पॉन्जी बना है। अब हम और एक लेयर कट करेंगे। अब ऊपर के लेयर को थोड़ा सा निकालें आप। अब केक का लेयर रखें, उस पर शुगर सिरप डालें। शुगर सिरप बनाने के लिए आप बॉल में थोड़ा सा पानी लें और 1 टेबल स्पून के करीब शक्कर डालें। शुगर सिरप आपका बनकर रेडी हो जाएगा। क्रीम की लेयर आप केक के ऊपर डालें, और अब हम डालेंगे उस पर कैरामल सॉस, और अब हम डालेंगे बटर स्कॉच क्रंच। फिर आप उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए नाइफ से, और अब हम सेकेंड लेयर रखेंगे केक के, और वैसे ही आप स्टेप्स को रिपीट करें। और अब हम नेक्स्ट लेयर रखकर उस पर शुगर सिरप डालें आप, और काफ़ी सारी क्रीम केक के ऊपर लगाएं। अब एक स्क्रैपर से आप इवनली स्प्रेड करें आपके केक को, और ऐसे शेप के स्क्रैपर से आप डिज़ाइन बना लीजिए अपने केक को। और अब कैरामल सॉस से आप डिज़ाइन बना लीजिए, आप कौन सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं अपने हिसाब से। फिर आप नोजल से आप अपने केक को डिज़ाइन कर लीजिए, आप कैसा भी डिज़ाइन शेप दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ पर हार्ट शेप का डिज़ाइन बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं। आप घर पर ही केक बनाएं, प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो कर ले, बहुत ही परफेक्ट केक बनेगा। आप किसी के लिए भी बना सकते हैं, आपके मम्मी पापा के लिए, बहन भाई के लिए, या फिर आपके स्पेशल वंस के लिए, या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड्स के लिए भी आप बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट बनेगा। जो प्यार और मेहनत से बनाते हैं वो केक बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट बनेगा, बाहर का टेस्ट वैसा नहीं आएगा। तो आप एक वक्त ट्राई कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, कुक विद आमिना।